देखो अभी अपन क्या कर रहे हैं, अल्फा एल से जुड़े मेन जो वर्ड्स रिपीटेड एग्जाम में आए हुए हैं वो कवर कर रहे हैं। देखो पहला हमारा वर्ड है लैक लस्टर। देखो लस्टर शब्द का मतलब क्या होता है, चमक, और लैक का मतलब कमी। तो जिसमें चमक की कमी है वो क्या, लैक लस्टर है। क्या लिखे, लैकिंग इन वाइटेलिटी। वाइटल का मतलब होता है जीवन के, मीन्स जीवन शक्ति, जिसको संजीवनी बोलते हैं, जीवन शक्ति बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाइटल है, जो इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें जीवन शक्ति नहीं है, ठीक है ना, पावर नहीं है, जो अनइंस्पायर्ड है, ऊर्जा नहीं है, वो सब क्या लैक क्लस्टर है। जिसमें तेज नहीं है, चमक नहीं है, जोश नहीं है, चमक, ये सब क्या लैक क्लस्टर है। लैक का मतलब कमी, क्लस्टर में चमक। लैमेंट इंग्लिश में दुख का रूट है। कभी भी कोई भी वर्ड इंग्लिश में लैमेंट से लिखा मिले दुख को इंडिकेट कर रहा है। जैसे एक वर्ड आता है लैमेंट के बाद, पहली बात तो फोर लगता है। लैमेंट फोर का मतलब होता है किसी के लिए दुखी होना। जब कोई बार लिखा मिलेगा नेवर लेमेंट फॉर एनी वन, क्या मतलब है, दुखी नहीं हो। ऐसी नेक्स्ट वर्ड बनता है लेमेंटेशन। लेमेंटेशन नाउन है तो दुख हो गया, और लेमेंटेबल एडजेक्टिव बन गया, एबल लगने से एडजेक्टिव बन गया, लेमेंट दुख का रूट है। जिसको देखकर आपके मन में दुख पैदा हो जाए वो व्यक्ति क्या होता है, लेमेंट व्यक्ति, स्थिति, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, लेमेंटेबल है। तो लेमेंट दुख का रूट है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा वर्ड क्या है। तो क्या लिखा है, अ पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो। ग्रीफ दुख को इंडिकेट करता है, शोक विलाप। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लुमिनरी। देखो लुमिन इंग्लिश में लाइट का रूट है, LUMEN या LUMIN अगर लिखा मिले तो रोशनी को इंडिकेट करता है। लुमिनरी का मतलब क्या है, खूब ऊर्जा से भरा हुआ, चमक से भरा हुआ, रोशनी से भरा हुआ, ये सब लुमिनरी हो गया, ठीक है ना। लुमिनरी से एक वर्ड बनता है इल्यूमिनेट करना। देखो एट आ गया तो वर्ब हो गया, और लुमिन का मतलब क्या है, रोशनी, लुमिन प्रकाश करना क्या होता है, इल्यूमिनेट करना होता है, ठीक है ना। जैसे कहते ना भाई, टीचर के लेक्चर ने सारे डाउट्स को इल्यूमिनेट कर दिया, डार्कनेस को लाइट में कन्वर्ट कर दिया, इल्यूमिनेट कर दिया। लेगार्ड, देखो लेगार्ड को याद करने का तरीका है लेग गार्ड। जब क्रिकेट खेलते हैं तो लेग पे गार्ड बांध लेते हैं तो भागना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है। जब चीज़ें स्लो जाती है तो क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु मेक्स स्लो प्रोग्रेस एंड फॉल्स बिहाइंड अदर्स, लैगार्ड। लैगार्ड का मतलब पीछे रहने वाला, पीछे रह जाना, ये सब क्या लैगार्ड। तो क्या लिखा है, ठंडा, आलसी, ढीला, ये सब। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लैकेडेसिकल। अगेन देखो बिगनिंग किससे हो रही है, लैक, लैक का मतलब कमी की बात हो रही है, जोश की कमी, ऊर्जा की कमी, काम को टालने की आदत, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स की होती हैं, लैकेडेसिकल पर्सन की होती है। लाइक लैकिंग एंथुसियाज्म एंड डिटरमिनेशन, केयरलेसली लेजी, ठीक है ना। एंथू इंग्लिश में जोश का रूट है, एंथू इंग्लिश में जोश का रूट है, एंथुजियाज्म का जोश होता है, डिटर्मिनेशन का मतलब संकल्प होता है। तो लैकेडेसिकल जिसमें जोश की कमी है, संकल्प की कमी है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लार्सनी। लार्सनी को पढ़ना है मनी। मनी क्या होता है, पैसा, पैसे तो चोरी होगी, क्राइम होगा, क्राइम चोरी को क्या बोलते हैं, लार्सनी बोलते हैं, चोरी, थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट। लेकोनिक हमें मत है, जो लोग कम बातचीत करते हैं, बहुत तोल मोल के बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेकोनिक। यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, जो पूछा गया सिर्फ उतना ही जवाब देना है, तो वो पर्सन क्या, लेकोनिक है। नेक्स्ट है लेसीट्यूड। लेसीट्यूड वर्ड को याद कैसे करोगे, लस्सी से करोगे आप। लेसीट्यूड को कैसे याद करोगे, लस्सी से। अरे वो लस्सी पी ली गर्मियों में तो नींद आती है, आलस आता है, आलस नींद को क्या बोलते हैं, ड्राउजीनेस, आलस को क्या बोलते हैं, लेसीट्यूड है। क्या लिखा, स्टेट ऑफ फिजिकल और मेंटल वीरीनेस। वीरीनेस का मतलब होता है थकावट, क्या आप मेंटली थके पड़े हो, सुबह से लेकर शाम तक नौकरी क्या, सोना है थोड़ी देर यार, वीरीनेस फील कर रहा हूँ, टायर्डनेस फील कर रहा हूँ, तो लेसीट्यूड। लैक ऑफ एनर्जी, याद करने का तरीका क्या है, लस्सी से आप इसको याद कर सकते हो, थकान, थकावट, आलस, ये सब। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लेटेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। लेटेंट हीट पढ़ा होगा आपने, छुपी हुई गर्मी को बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे कोई मान लो लकड़ी है मेरे पास, उसको मैंने बर्न करूं तो वो जलती रहेगी, इसका मतलब आग तो उसके अंदर थी, बस जला दी। तो लेटेंट को ध्यान कैसे रखना, टैलेंट, टैलेंट हमेशा छुपा हुआ होता है, टैलेंट तो सबके अंदर है, बस छुपा हुआ है। तो जो छुपा हुआ है वो क्या, लेटेंट है। हिडन और कंसील्ड, कंसील हमें मालूम है छुपाना होता है। तो क्या लिखा है, भीतरी, सुप्त, छिपा हुआ, ये सब क्या लेटेंट है। नेक्स्ट है लॉडेट्री। ओ आर वाई वाले वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, मोस्टली 98% वी कैन से देयर एडजेक्टिव्स। लॉड इंग्लिश में प्रशंसा का रूट है, जैसे अपलोड करना किसी को, आपने सुना होगा ह्यूज राउंड ऑफ अपलोज,
या अपलोड, सुने तो लोड प्रशंसा का रूट है। लोडेट्री का मतलब प्रशंसा से भरा हुआ, प्रशंसा से जुड़ा हुआ है ना, सराहने योग्य, एक्सप्रेसिंग प्रेज एंड कमेंडेशन, राइट। तो लोड कहां से आया, अपलोड से जोड़ सकते हो प्रशंसा। लेविश, लेविश का मतलब खूब खर्चा करने वाला, पैसा डबल उड़ाने वाला, लेविश, लेविश लाइफस्टाइल होता है, बड़े हाई फाई लाइफस्टाइल के हैं। तो लग्जूरियस, सम्प्टुअसली रिच, बहुत ज्यादा रिच, एलैबोरेट, लेविश का मतलब कहते हैं खर्चीला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच कह सकते हो, ये सब। लॉफुल, जो कानून के मुताबिक है, फुल लगाने से क्या बन गया एडजेक्टिव, लॉ का मतलब क्या है कानून, जो लॉफुल का जो कानून के दायरे में है, कानून के अकॉर्डिंग है वो लॉफुल है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉज और रूल्स इज लॉफुल। और अनलॉफुल क्या बन जाएगा, जो लीगल, जो गैर कानूनी हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लीगलाइज करना। देखो एल ई जी इंग्लिश में कानून का रूट है, किसका रूट है, कानून का। एल ई जी किसको इंडिकेट करता है, कानून को इंडिकेट करता है। लीगल का मतलब होता है जो कानूनी तौर पर सही है, इलीगल का मतलब क्या होता है, जो गैर कानूनी है वो इलीगल है। और लीगलाइज करना, किसी चीज को कानून में बांधना, कानून के दायरे में लेकर आना, लीगलाइज कर देना, राइट। लीथल, लीथल का हाँ, जो डेडली है, जो जानलेवा है वो लीथल होता है। आपको ना बहुत बार लिखा मिलेगा लीथल वेपन्स, यानी कि जानलेवा हथियार, ठीक है ना। इसको नेमोनिक है इसका याद करने का तरीका है, लीथल को पढ़ो लीगल, लीगल को पढ़ो इलीगल। कई बार इलीगल चीजें जानलेवा हो जाती हैं, तो लीथल का मतलब जानलेवा, ठीक है ना। वेरी हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, लिथार्जिक। देखो लिथार्जिक का मतलब आलस होता है, सिंपल वर्ड है। जैसे हम लैसीट्यूड पढ़ा था, लैसीट्यूड को याद कैसे किया था हमने, लसी से। लिथार्जिक का मतलब आलसी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड करते हैं लिबरल। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, आजाद। लिबर्टी का मतलब आजाद, लिबरल का मतलब खुले विचारों वाला, उदार विचारों वाला लिबरल होता है। विलिंग टू रिस्पेक्ट और एक्सेप्ट बिहेवियर और ओपिनियंस, आप जैसे भी, आपको स्वीकार करने को तैयार हूं मैं, ये क्या है, लिबरल व्यूज है। जजमेंट नहीं होगी, टोका टक्की नहीं होगी, लिबरल सोच है, आजाद सोच है, खुद भी आजाद रहेंगे, दूसरों को भी आजाद रखेंगे, लिबरलाइजेशन। लिबरेट करना, किसी को आजाद करना, लिबर्टी से ही आया। फ्री फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट, जेल, स्लेवरी, जब गुलामी, स्लेवरी का मतलब क्या होता है, गुलामी। ऑपरेशन क्या, किसी को दबा देना, ठीक है ना। तो लिबरेट करना, आजाद करना। लिसेंटियस का मतलब होता है प्रोमिस्कस एंड अनप्रिंसिपल्ड इन सेक्सुअल मैटर्स। पहले वर्ड बना लेचर, लेचर भी क्या था, जो सेक्सुअली बहुत इन्वॉल्व रहता है। लेचर और लिसेंटियस का एक ही मतलब होता है, एक ही मतलब है, लेचर और लिसेंटियस का एक ही मतलब है, लेचर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लाइकली, जो चीज होने की संभावना ज्यादा है, दैट इज लाइकली टू हैपन। लाइकली का मतलब है पॉसिबल है, ठीक है ना, प्रोबेबल है जो। नेक्स्ट है लीनिएज। देखो लीनिएज को याद कैसे करोगे, लाइन एज, गोत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। जैसे आप हो तो आपके फादर दादा, एक लाइन बन गई ना, गोत्र बन गया, उसको क्या बोलते हैं, लीनिएज बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, लीटर को आपने लेटर से याद रखना है, बहुत सारे लेटर लिखे फाड़ दिए, फेंक दिए, तो गंदगी मचा दी। लीटर करना होता है गंदगी मचाना, लेटर करना क्या होता है, गंदगी मचाना। तो रबिश सच एज पेपर, कैंस, करकट, कूड़ा, गंदगी मचाना क्या होता है, लीटर करना होता है। नेक्स्ट है लाइवली। लाइव मतलब जीवित, जैसे लाइव वायर होती है, जैसे जिस तार में करंट है वो लाइव वायर है। लाइवली, खूब एनर्जी से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, जिंदा, एक्टिव है, ओके, लाइवली है। लिविड, लिविड भी जोश से भरा हुआ, एनर्जी से भरा। फ्यूरियसली एंग्री, गुस्से से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लोथ, इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा, इट कम्स रिपीटेडली इन एग्जाम। इसको याद करने का तरीका क्या, ओथ। ओथ क्या होता है, OATH, शपथ। अब देखो अभी क्या है कि कई लोग क्या शपथ लेते हैं, जी मैं ऑफिसर बन गया, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, बढ़िया काम करूंगा, लोगों की सेवा करूंगा। अब जैसे अभी थोड़ी पर केस हुआ था, एक लड़की की ज्वाइनिंग आई, पहले दिन 10 लाख की रिश्वत ले ली, न्यूज में देखा होगा आपने, UPSC की कैंडिडेट थी वो, एस्पिरेंट थी, ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद पहले दिन ही 10 लाख रुपए उतना, कितना रिश्वत ले ली, तो औत ली थी और जाती रिश्वत ले ली, तो लोगों को क्या होगा, ऐसे लोगों से नफरत हो जाएगी। नफरत करने को लोथ करना बोलते हैं, घृणा करना, तो औत लोथ, ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हो। ये आप शक्ल देख लो, थोड़ा सा याद भी हो जाएगा, बेचारे को दवाई पिला रहे हैं छोटे से। लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा करना,
देखो इच्छा करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, जैसे लॉन्ग फोर पढ़ा था, डिजायर फोर, क्रेव फोर, क्रेव भी क्या होता है इच्छा करना, एक फोर, यर्न फोर, यर्न भी क्या होता है इच्छा करना होता है, और क्या आया था इसके अंदर एम्बिशन फोर, सभी का एक ही मतलब इच्छा करना, लॉन्ग फोर, डिजायर फोर, क्रेव फोर, एक फोर, एम्बिशन फोर, इच्छा करना। तो लॉन्गिंग का मतलब इच्छा हो गया, लॉन्गिंग का मतलब क्या है इच्छा। लोकेशियस हम सबको पता है एडजेक्टिव है, ओजुएसर एडजेक्टिव, तो लोक किसका रूट है बातों का, जो खूब बातें करता है वो क्या लोकेशियस है, बातूनी गप्पी। लॉयल्टी समर्पित, किसी के प्रति ईमानदार समर्पित वो लॉयल है। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है लूसिड। देखो लूसिड वर्ड को आप याद करोगे एल यू सी आई सी ई या आई, ये रोशनी का रूट है इंग्लिश में। अभी हमने लुमिन भी पढ़ा था, लुमिन भी रोशनी का रूट है। लूसेंट की बुक्स आती हैं, अभी हम कई बार बुक्स पढ़ते हैं लूसेंट जनरल इंग्लिश है ना, लूसेंट भी रोशनी से आया है, रोशनी करने वाला प्रकाश करने वाला लूसेंट होता है। लूसिड का मतलब होता है रोशनी से भरा हुआ, ठीक है ना, यानी कि लूसिड है तो कोई डाउट नहीं है, पूरा क्लियर है, लाइट लाइट है, रोशनी रोशनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं वर्ड क्या है, देखो एक्सप्रेस्ड क्लियरली ईजी टू अंडरस्टैंड इज लूसिड। लुक्रेटिव एडजेक्टिव है पहली बात तो, ये आई वी ई वाले वर्ड्स क्या होते हैं एडजेक्टिव। देखो आपको कोई जॉब ऑफर आया, भाई आपको हम दे देंगे 5 लाख रुपए महीना, आप कहते हो यार ये तो बढ़िया अमाउंट है, ये तो बड़ा लुक्रेटिव अमाउंट है, जो ललचा जो आपके मन पे आकर्षण पैदा कर दे, आपको ललचा ललचा दे, वो लुक्रेटिव होता है। देखो लाभप्रद लाभदायक, आपको पता है इट्स अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, मना कैसे करें, वो लुक्रेटिव है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा लूडिक्रस। देखो लूडिक्रस वर्ड को याद करने का तरीका है रिडिकुलस। देखो राइड इंग्लिश में आर आई डी मजाक का रूट है, आर आई डी किसका रूट है मजाक, तो जिसको देख के आपके मन में हंसी आ जाए मजाक हो जाए वो क्या लूडिक्रस होता है। लूडिक्रस लिडिक्रस, ये दिखा रखे इसके बाल नहीं है, ये पिक्चर ऐसी है लूडिक्रस, हंसने योग्य है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है लुमिनस, अगेन रोशनी से आ गया, एडजेक्टिव है रोशनी से भरा हुआ लुमिनस होता है, स्पष्ट, गिविंग ऑफ लाइट, ब्राइट और शाइनिंग, ये लुमिनस क्या है। लुनेटिक, लुनेटिक को याद करने का तरीका है लूना, लूना एक मोपेड का नाम है, ठीक है ना, ऐसा मान लो कोई बंदा लूना चला रहा है तो, बट वो मेंटली डिस्टर्ब है, लुनेटिक का मतलब होता है जिसको मानसिक स्तर पर तो हिल गया, ये लुनेटिक है जैसे, ठीक है ना, इसको याद कर लूना से याद कर रखा है, तो लूना में आया तो लुनेटिक है वो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लश ग्रीन, हरा भरा, लश ग्रीन होता है। नेक्स्ट है लग्जूरियंट, लग्जरी की फीलिंग देने वाला, लग्जूरियंट, रिच, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज क्या होता है बहुत, अबंडेंस, लग्जूरियस आपको पता ही है, ये आपका अल्फाबेट एल खत्म हो गया सारा का सब, ठीक है ना, एक अल्फाबेट हो गया, इसको यहीं पे रोकते हैं।